गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवर सेकंड हिस्ट्री लेसन इज यूरोप एंड इंडिया। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो मॉडर्न पीरियड में यूरोप में जो कुछ भी हुआ उसके पूरे इम्पैक्ट हमें इंडिया पे दिखाई दिए। देयरफॉर व्हाइल स्टडिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो जैसे ही हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, वी हैव टू स्टडी द इवेंट हैपनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें एट दैट टाइम यूरोप में क्या हुआ वो भी हमें पता चलता है। मीन्स यूरोप एंड इंडिया में जो भी कुछ हुआ मॉडर्न पीरियड में वो हमें पढ़ना है। पीरियड ऑफ रेनेसेंस मीन्स नवनिर्मितता का। इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड 13th to 16th century इज नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसेंस। मीन्स जो तो यूरोप की हिस्ट्री में जो 13th to 16th century जो है मेडिवल पीरियड की, वो रेनेसेंस के नाम से पहचाना जाता है। मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इरा। हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रेनेसेंस। इट मीन्स इस पीरियड में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्मेशन मीन्स प्रबोधन पे ज़्यादा जोर दिया गया, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मीन्स धर्म सुधारना पे ज़्यादा जोर दिया गया, एंड देन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज मीन्स भौगोलिक शोध ज़्यादा से ज़्यादा लगाया गया। लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इरा मीन्स एक मॉडर्न इरा का एक फाउंडेशन बन गया था। हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रेनेसेंस। तो इस पीरियड को कहते हैं एज ऑफ रेनेसेंस मीन्स नवनिर्मितता काल। मीन्स प्रबोधन युग। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी देर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन विच गिव मोमेंट टू एन ओवरऑल डेवलपमेंट। मीन्स एट दैट पीरियड में क्या हुआ, जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, फिलोसॉफी है, ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन जो है, उनको एक तरफ से उनकी डेवलपमेंट होने लगी थी और उनको एक मोमेंटम मिला था। ड्यूरिंग द रेनेसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वॉज गिवन अ ग्रेट इम्पिटस। देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज अ ह्यूमन बींग। तो रेनेसेंस पीरियड में क्या हुआ, को ह्यूमन एक दूसरे के साथ एज अ ह्यूमन बात करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। इंस्टेड ऑफ रिलीजन मैन बिकम सेंटर पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजीज। इट मीन्स रिलीजन को छोड़ के मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक थिंकिंग एट दैट टाइम बढ़ने लगी। द रिफॉर्म मोमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो रिफॉर्म मोमेंट थी वो पूरे ह्यूमन ऑल सेक्टर में वो स्प्रेड हो रही थी। दोज नॉलेज साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मोमेंट। मीन्स इसका जो नॉलेज है साइंस का, आर्ट का, इट मीन्स मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा साइंस और आर्ट को इम्पोर्टेंट हम देने लगे थे। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रेनेसेंस पीरियड डिफिक्स सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग। मीन्स हमारे जो लिटरेचर लिखा गया था एट द टाइम, हम उसमें हमारा इमोशंस, मैन का इमोशंस भी जुड़ा हुआ था। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल को वो लिटरेचर समझ में आना चाहिए, उसको लोकल लैंग्वेज में भी लिखा गया था। ड्यूरिंग 1450 AD जॉन्स गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस। तो जॉन्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी का जो है उसने प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडिया कंसेप्ट एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसकी वजह से जो न्यू नॉलेज है वो सभी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा देना संभव हो रहा था। ओके।